दोस्तों अभी हम लोग बंसल क्लासेस की जो टॉप बैचेस चल रही है उसमें मतलब कि सरप्राइज विजिट मारने वाले हैं। मेरे साथ समीर सर हैं। वो सडन हम लोग घुसे हैं ना तो सब घबरा गए कि अचानक से ये क्या चल रहा है, दो लोग कैमरा लेके अंदर आ गए। ये एक्चुअली सरप्राइज विजिट ही था आप लोगों के लिए। यही रिएक्शन चेक करना था आप लोगों का, जो सडन रिएक्शन रहता है ना। तो जरा अपना रूम टूर दो, आप जरा दिखाओ क्या क्या फैसिलिटीज वगैरह है आपके रूम में। ये मेरा रूम है। ये गाड़ी किसकी है सर? ये गाड़ी के बारे में मैंने काफ़ी सुना है, इस कार के बारे में आप कुछ बताएं। देखिए ये बंसल सर के लिए हम लोगों ने जापान से मंगाई थी। अरे जापान से बंसल सर के लिए गाड़ी, क्या बात है। पहले डोर ऑटोमेटिक खुल जाती है। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो मैं अभी आया हुआ हूँ बंसल क्लासेस कोटा रोड नंबर 1 पे, जो है आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये रोड नंबर 1 है और यहाँ पे मेरे सामने यहाँ पे है बंसल क्लासेस। ठीक है, तो आज बंसल क्लासेस का हम कैंपस टूर करने वाले हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे कि एंट्री से लेके क्लासरूम, फिर उसके बाद जो यहाँ पे रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ वगैरह है वो भी दिखाएंगे, और पेरेंट्स से भी बात करेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे, जानेंगे कि वो कितना सेटिस्फाइड है यहाँ पे आके पढ़ के। ठीक है, समीर सर से भी बात करेंगे कोर्सेज बैचेस के बारे में, जो हर चीज़ के बारे में आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, बंसल क्लासेस से रिलेटेड। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सामने में ही मतलब कि इस तरीके से ग्राउंड वगैरह बनाए गए हैं, क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए पिच वगैरह हैं, और सामने में ही ये बिल्डिंग है बंसल क्लासेस की, और यहीं पर मतलब कि क्लासेस वगैरह भी लगती है, और यहीं पर मतलब कि ऊपर में रेजिडेंशियल एरिया भी है। तो उन सारे पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, बने रहे आप इस वीडियो के साथ। अंदर एंटर होते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह है। ठीक है, और तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो गैलरी है, यहाँ जो गैलरी आप देख सकते हैं कि ये सारे डायरेक्टर्स का मतलब कि रूम वगैरह है। यहाँ पे समीर सर का भी ऑफिस यहाँ पे है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बंसल के जो टॉपर्स वगैरह हैं उनका फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है। बहुत पुराने पुराने फ़ोटोज़ आपको दिखेंगे यहाँ पे बंसल के, क्या आप देख रहे हो, बहुत पुराने पुराने फ़ोटोज़ वगैरह लगे हुए हैं। और यहाँ पे यार एक चीज़ मेरे को आपको दिखाना था, ये आप देखो यार, द वॉल स्ट्रीट जर्नल। द वॉल स्ट्रीट जर्नल में 2008 में बंसल सर के बारे में यहाँ पे छपा हुआ था, बंसल सर के बारे में कि इंडियाज़ क्रैम स्कूल कॉन्फिडेंशियल 2 ईयर्स 1 टेस्ट 40,000 स्टूडेंट्स टाउन फील्स विद 3 स्टडिंग फुल टाइम फॉर अ कॉलेज एंट्रांस एग्ज़ाम बंसल लाइट रॉक्स। तो इस तरीके का है, मतलब कि यार बंसल की बहुत बड़ी लेगेसी आपको पता ही है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे टॉपर्स वगैरह के, पहले के जो बंसल के टॉपर्स हैं, जो कि बंसल क्लासेस मतलब कि बहुत पुरानी मतलब कि कोचिंग इंस्टीट्यूट है कोटा में, जो आज भी एक्टिव है, आज भी जो चल रही है। और इधर साइड में आप देख सकते हैं कि ये रिसेप्शन एरिया वगैरह है, पेरेंट्स यहाँ पर आते हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन वगैरह लेते हैं। ठीक है, और ऊपर में जो है क्लासेस वगैरह है, क्लासरूम वगैरह आपको दिखाएंगे, और ये सारा रिसेप्शन मतलब कि ये सारा रिसेप्शन एरिया वगैरह हो गया, फॉर्म वगैरह लेके फिल वगैरह कर सकते हैं अगर आपको एडमिशन वगैरह लेना है यहाँ तो। तो दोस्तों अभी हम लोग बंसल क्लासेस की जो टॉप बैचेस चल रही है उसमें मतलब कि सरप्राइज विजिट मारने वाले हैं। मेरे साथ समीर सर हैं। सर अभी मतलब कि किन की क्लासेस वगैरह चल रही है? अभी इस समय केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, जो हमारे 12th के स्टूडेंट्स हैं, 11 मूविंग 12th स्टूडेंट हैं, जो JEE 2023 में देंगे, जो A1 बैच है, जो हमारा टॉप बैच है, उसकी क्लास चल रही है। तो टॉप बैच की क्लास चल रही है, तो टॉप बैच के बच्चों के बीच में पहली बार हम लोग सरप्राइज विजिट मारने वाले। आइए चलते हैं, ये हम क्लासरूम में आइए। वो जो सर को पहली दफे देख रहे हो या देख रखा है? पहले देख रखे ईश्वर, बस शर्मा रहे बताने से। ऑनेस्ट जो आपका फीडबैक है ना, बिल्कुल जो दिल से निकल रहा है वो बोलना, घबराओ मत। ठीक है, सडन विजिट। बाकी ईश्वर से बात करते हैं। आप बताओ कहाँ से हो? उड़ीसा काटावांजी से। अच्छा, उड़ीसा, इतने दूर से, वो भी यहाँ बंसल क्लासेस। क्या आपको पसंद आया यहाँ पे? यहाँ पढ़ने का टेंशन बहुत मिलता है, और यहाँ का स्टडी मटेरियल भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए बंसल क्लासेस ज्वाइन किया। वो सडन हम लोग घुसे हैं ना तो सब घबरा गए कि अचानक से ये क्या चल रहा है, दो लोग कैमरा लेके अंदर आ गए। ये एक्चुअली सरप्राइज विजिट ही था आप लोगों के लिए। यही रिएक्शन चेक करना था आप लोगों का, जो सडन रिएक्शन रहता है ना सरप्राइज विजिट करने में। आउट ऑफ 10 कितना रेटिंग दोगे बंसल क्लासेस को, जोर से बोलना? 10 out of 10, क्या बात है, बहुत सही। तो यहाँ हम लोग क्लासरूम से बाहर आ गए हैं, ये था बच्चों का रिव्यू। तो सर बच्चे तो खुश हैं एकदम बंसल क्लासेस में? बिल्कुल, बहुत खुश हैं, और जो सबसे एक अच्छी चीज़ है कि बच्चों का टाइम वेस्ट यहाँ बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि आप ये लोग, आप जिन बच्चों को भी अभी मिल के आए हो, हाँ,
सबकी सब यहीं मेरे रेजिडेंशियल कैंपस में भी रहते हैं और मेरा खुद का घर भी कैंपस में, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो पर्सनली रात को 8 बजे, 7:30 बजे, 9 बजे मैं आके जनरल बच्चों से मिलता भी हूँ और पूरे दिन का जो उनकी एक्टिविटीज़ है वो शेयर आसानी से कर लेते हैं कि एकेडमिक एक्टिविटी में हमें कहाँ प्रॉब्लम चल रही है और कहाँ नहीं, क्योंकि यही एक बच्चों को चाहिए कि भाई अल्टीमेटली कोई उनके सर पे हाथ रख दे कि सर हाँ घबराने की ज़रूरत नहीं, चीज़ें होंगी, क्योंकि हर तरह के बच्चे होते हैं ठीक है क्या, और ऐसा लगता है कि ये बच्चा हमारे टॉप बैच में है, लेकिन कहीं ना कहीं टॉप बैच डज़ नॉट मीन कि हर बच्चा उस टॉप बैच में टॉप 50 में आएगा या टॉप 10 में आएगा या टॉप 100 में आएगा। तो बच्चों को एक डर ज़रूर रहता है कि यार मेरा आईटी में होगा भी या नहीं होगा, तो वो डर निकालना पड़ता है उनको। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं जो कि बंसल क्लासेस में इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जानेंगे इनसे ज़रा यहाँ का रिव्यू। मैम आप कहाँ से आए हैं? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मैम छत्तीसगढ़ से मतलब कि यहाँ कोटा और बंसल, क्या ऐसा चीज़ है जो आपको यहाँ खींच लाया? सर यहाँ पे आने का सिर्फ रीज़न समीर सर है। बंसल में मतलब जो भी हमने यहाँ पे पता किया, जैसा भी हम आ जाते थे, यहाँ सारी फैसिलिटी है। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे, मतलब ये बच्चे का, बच्चा तो जरूर आपसे एक्सपीरियंस शेयर करता होगा कि मम्मी पढ़ाई ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, तो क्या कहते हैं वो आपसे? बहुत ही अच्छा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अगर कुछ भी आपको लगता है टेंशन आता है तो सर के पास आ जाओ, समय सर के पास सॉल्व हो जाता है। अच्छा। मतलब अगर कुछ टेंस आ गया कि नहीं इसमें कम मार्क्स आए तो सर के पास आ गए तो सॉल्व हो जाता है। मैम आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान भीलवाड़ा। अच्छा, तो मैम आप तो और ज़्यादा फेमिलियर हैं, आप राजस्थान से, कोटा को तो जानते ही होंगे, तो मतलब कि कैसा चल रहा है यहाँ पे आपके बच्चों का पढ़ाई वगैरह, क्या रिव्यू वो देते हैं? सर मेरा बेटा इस साल ड्रॉप आउट है वो, और लास्ट ईयर उसने अपना, अभी इस साल वो रैंक इम्प्रूव करने के लिए आया है, और कोटा से बंसल क्लासेस से हम ऑलरेडी फैमिलियर है क्योंकि मेरे खुद के कज़न, मेरे बेटे के कज़न सब यहीं से निकले हुए हैं। मैम पर्सनल अटेंशन की बात आए तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को मिल रहा है पर्सनल अटेंशन वैसा? हाँ मिल रहा है। अच्छा, मैम का एक ही आंसर है मिल रहा है, एकदम शॉर्ट और सटीक आंसर। ठीक है, और भी यहाँ पे पेरेंट्स बैठे हुए हैं। मैम आप लोग से मैं जो यहाँ का जो रेजिडेंशियल कैंपस है उसके बारे में जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैम आप बताएं कि यहाँ का कैंपस कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, इसमें कोई शब्द नहीं है इसके आगे, इतना अच्छा है। आप कहाँ से आए मैम? जी मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल से आई हूँ। आप मैम कुछ पॉइंट बताएं कि रेजिडेंशियल कैंपस को लेके कैसा है सब? हम लोग कोटा में बहुत जगह देखे हॉस्टल्स, लेकिन यहाँ के जैसी सुविधा नहीं है। मदर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, नहीं बहुत सारा स्पेस भी है इसमें, खाने वाने की भी अच्छी व्यवस्था है, सर भी बहुत सपोर्टिव है। हम अगर खाली हॉस्टल में ही रहते हैं तो भी सर बहुत सपोर्ट करते हैं कि आपको कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अब चलिए कि स्टूडेंट का रूम में चलते हैं और स्टूडेंट का रूम का यहाँ पर टूर दिखाते हैं, जो भी रेजिडेंशियल एरिया है यहाँ पे। मैगमिन यस, परमिशन लेना ज़रूरी है बच्चों से भाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ाई वढ़ाई करते हुए, कैसी चल रही है पढ़ाई वढ़ाई? एकदम बढ़िया। तो ज़रा अपना रूम टूर दो, आप ज़रा दिखाओ क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह है आपके रूम में। ये मेरा रूम है, ये सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम है, बहुत बड़ा रूम है। वैसे तो यहाँ रूम्स छोटे रहते कोटा में, पर ये हॉस्टल का रूम बहुत बड़ा है। ये बेड है और वहाँ बाथरूम है वो डोर में, और एसी के साथ है ये रूम, ये एसी, और टू कबर्ड्स और स्टडी टेबल्स के साथ, और शेल्फ भी है बुक्स के लिए। फुल इक्विप बाथरूम है, गीजर्स है, शॉवर्स है, सब एकदम बढ़िया फैसिलिटीज़ है। ये रहा इनका रूम, और एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं तो मैं इनसे थोड़ा मेहनत करवा रहा हूँ, तो ये फ्रस्ट्रेट हो रहे, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो खाने पीने से रिलेटेड कोई समस्या? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब एकदम फाइव स्टार होटल के जैसा खाना है ऐसा बोलते हैं। फाइव स्टार? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मतलब ये हॉस्टल में रहने वालों को ही समझेगा कि मेस का खाना कैसा रहता और उसमें भी फाइव स्टार का कैसा रहता। तो सर कैंपस वगैरह तो दिखा दिया, अब जरा कोर्सेज बैचेस के बारे में बताइए, क्या वैसा कुछ क्या ला रहे हैं जेई और नीट के फील्ड में? देखिए अभी फ्रॉम 6th of June जो हमारा 10th moving 11th बैच है फॉर आईटी जेई एज वेल एज़ फॉर मेडिकल फेज़ वन, जिसको कि हम यहाँ बुलसाई बैच बोलते हैं, जो बच्चे 10th से 11th में आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपके पहले वीडियो में भी एक बार बोला था कि बंसल का जो सरनेम है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो बी से स्टार्ट होता है, और उस पर ही हमारा पहला कोर्स डिज़ाइंड है बुलसाई, जो कि 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे अभी 10th का एग्ज़ाम बोर्ड का दे के आके 11th में आए हैं, तो मेडिकल का एज़ वेल एज़ फॉर आई टी।
और इवन रिपीटर्स ड्रॉपर्स बैच भी हमारा 6 जून से फेज वन चालू हो रहा है। फ्यूचर में सर क्या मतलब कि आप हमेशा ऐसे बैचेस कोर्सेस लाते रहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये तो अभी फेज़ वन है, फिर इसी को आगे हम कैरी करेंगे फेज़ टू फेज़ थ्री फॉर 10th मूविंग 11th, और जो 12th है 11th मूविंग 12th वो तो ऑलमोस्ट अभी प्रैक्टिकली पढ़ाई चालू हो चुकी है उनकी, बट ड्रॉपर्स के तो आगे डेफिनेटली फॉर मेडिकल एज वेल एज फॉर जेई आते रहेंगे आगे। सर ये गाड़ी किसकी है? सर ये गाड़ी के बारे में मैंने काफ़ी सुना है, इस कार के बारे में आप कुछ बताएं। देखिए ये बंसल सर के लिए हम लोगों ने जापान से मंगाई थी। अरे जापान से बंसल सर के लिए गाड़ी, क्या बात है। तो बड़ी ही मतलब इसमें एक्चुअली पावर ड्रिवन व्हीलचेयर भी थी जो कि अभी अब उसको हटा दी मैंने, बट वो ऑटोमेटिकली निकलती थी और सर उस व्हीलचेयर से आगे जहाँ जाना होता था वहाँ चले जाते थे। तो स्पेशली हम लोग एक ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे थे जो कि लाइक ठीक ठाक स्पीड से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सके। तो अच्छी गाड़ी है स्टीमा, आप चाहें तो मैं आपको लुक दिखा देता हूँ। बंसल सर की गाड़ी का अपन एक बार क्लोज लुक दिखाते हैं। ये इस तरह से डोर ऑटोमेटिक खुल जाती है। लाइक ये जो सीट थी पावर ड्रिवन थी जो कि अब हटा दी हमने, तो ये लाइक ऊपर आती थी और फिर यहाँ ट्विस्ट होकर नीचे आ जाती थी और वो व्हीलचेयर बन जाती थी। तो वो अभी रखी हुई है मेरे पास वो भी सीट, बट ये है प्लस ऑटोमेटिक है, इट्स फुली ऑटोमेटिक। होप कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी कि बंसल का कैंपस वगैरह कैसा है, और पेरेंट्स का भी रिव्यू मिल गया, क्लासरूम भी हमने जाके दिखा दिया कि बच्चे सेटिस्फाइड है, पूरी तरीके से पढ़ रहे अच्छे से। तो बस जिन बच्चों को बंसल आना होगा उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और बस आज के इस वीडियो में इतना ही, और भी हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे, आप बस कमेंट करके बता दें, वीडियो जरूर ले आएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कोटर कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, एंड थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक्स अ लॉट सर जी, हैव अ नाइस डे अहेड।